नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये राशिफल 19 अगस्त से 25 अगस्त के लिए होगा। सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राशिफल जो होते हैं वो सार्वजनिक स्तर पर होते हैं और सामान्य स्तर पर होते हैं, क्योंकि ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं, इसे सामान्य स्तर पर ही आप माने। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैसा जाएगा। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यदि आपसे मैं यहाँ पर कहूँ तो कहीं ना कहीं यदि आप नौकरी लगने के इच्छुक थे या फिर नौकरी लगना चाह रहे थे या फिर अपने बिजनेस के लिए कोई प्लानिंग आप कर रहे थे, किसी तरह की नई योजनाएं आप बना रहे थे, तो यहाँ पर मुझे नौकरी और व्यवसाय में बहुत अच्छे बहुत शानदार योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। उपलब्धि के बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में इंक्रीमेंट, आपको सराहना मिले, अप्रिसिएशन मिले, वहीं बिजनेस में भी आप आगे बढ़े, भाई बहुत अच्छे योग है नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से। यहीं पर बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, तो मेरा कहना यह बनेगा कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो सकती है। मैंने कहा आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, पैसा आए ज्यादा ऐसे योग है लेकिन जाए ज्यादा ऐसे योग भी हैं। अपने पैसे को अपने धन को जरा संभाल करके रखिए क्योंकि फिजूल खर्च हो सकता है। ज्यादा उत्साह में भी हम बड़ी बड़ी पार्टियां भी दे देते हैं या फिर उत्साहित होकर के पैसा ज्यादा खर्चा कर देते हैं, तो भाई ज्यादा खर्चा ना करें क्योंकि आगे चल के ये खर्चे आपको फिजूल खर्चे लग सकता है और फिर आप परेशान हो सकते हैं। सेविंग्स को बना करके रखें, पैसा आते रहेगा इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें, लेकिन जाएगा इस बात की चिंता जरूर करें। इसके बाद में यदि हम चर्चा करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। बस आपको मेहनत करनी है और सफल बनना है। कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, चिंता मत कीजिए, सफलता आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद में पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। परिवार का साथ, परिवार का सहयोग यहाँ पर आपको जरूर से मिलेगा और पारिवारिक संबंधों में और ज्यादा मधुरता मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। स्वास्थ्य की चर्चा करें तो स्वास्थ्य भी जो है वो अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका यहाँ पर मुझे अच्छा नजर आता है। और फाइनली हम चर्चा करते हैं प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से उतना खास मुझे ये वक्त नहीं दिखता। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है, लेकिन परिवार में प्रेम प्रसंग को एक्सेप्ट कर लिया जाए वैसे कोई खास वक्त नहीं दिखता। या प्रेम प्रसंग आप जिनके साथ जो आपके पार्टनर हैं वहां पर कहीं ना कहीं विवाद हो जाए, दूरी हो जाए, तो ऐसे योग भी जरूर से बनते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल हमने चर्चा की कुंभ राशि के जातकों की कि इनके लिए जो समय है, ये जो सप्ताह है, वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।